Welcome to this very exclusive auction. और ये है, ladies and gentlemen, भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, उन हजार कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था. अ वेरी रेयर एंड ट्रूली अ कलेक्टर्स आइटम विच वॉज मेंट फॉर दोज जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का. पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश. मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है. और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है. इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन. ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देख कर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और सवार भी सकते हैं. आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी. ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया? तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकद्दस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं. शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था. और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था. मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था. क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तस्वीर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी. दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी. 1857 के क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी. उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था. और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई. माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1914 एंड द ब्रिटिश सेड यस यस वी विल एक्सेप्ट इट आफ्टर द वॉर बट नाउ दे वांट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस बट यू नो अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon.